किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर डीजल क्यों ज़्यादा खाता है। कुछ चीज़ें बताएंगे कि कैसे जो है ट्रैक्टर चलाएं, आपका घंटे में लगभग एक से डेढ़ लीटर घंटे में डीजल की बचत होगी। सेटिंग बहुत ज़रूरी है, आओ हम तुमको बताते हैं। सबसे पहले इधर लाओ, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आरपीएम का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आपका आरपीएम रोटावेटर पर 16 और 18 के बीच होना चाहिए, ना तो 20 पे होना चाहिए ना 14-15 पे होना चाहिए। एक नंबर ये। दूसरे नंबर पर कुछ ड्राइवर जो है हर समय क्लच पर पैर रखे रहते हैं, इससे दो चीज़ों का नुकसान होता है, एक तो गाड़ी का होता है, दूसरी चीज़ माइलेज का, इस पर भी इससे भी असर आता है कि बार बार जो है क्लच पर पैर रख के नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। दूसरी चीज़ आओ, हाँ अब रही बात सेटिंग की, तो हाइड्रोलिक सेटिंग पहले आप एक फेरा लगाएं पूरे खेत का, उसके बाद दाब लगाकर देख लीजिए कि कितने पर हमारी गाड़ी बढ़िया आराम से चल रही है, उतने पर ही रखें, फिर अप डाउन करते रहें। रूटा बेटर की दिखाएँ, हाँ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि रूटा बेटर हमेशा ले कंपनी का, जैसे हमारा ये रूटा बेटर लॉन्सर कंपनी का है, तो जो कंपनी की चीज़ होती है उसकी सेटिंग अपने आप अच्छी होती है। और रही बात कि डीजल, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इधर लाओ, ये जो है सेटिंग रोटा बेटर की, ये जो साइड वाली पटिया हैं इधर, ये बिल्कुल आपकी टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें चाल नहीं होनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा लोड तब भी खा रहा, सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपकी ये चार लगी होती है, चार होती हैं, इसमें से आप दो रखिए, दो हटा दीजिएगा, अपने आप लोड कम हो जाएगी गाड़ी पर, अच्छा माइलेज देगी, इतना आप काम करेंगे आराम से आपका 1.5 से 2 लीटर डीजल बचेगा घंटे में। धन्यवाद। अगर आपका नया रोटावेटर है तो टापलिंग थोड़ी ज़्यादा खोलें, क्योंकि थोड़ा जब पीछे को होगी टापलिंग तब भी माइलेज अच्छा होगा। और शाफ्ट की ग्रीसिंग रोज करें, ये जो है रोज़ इसकी ग्रीस करनी चाहिए, यहाँ निपुल लगी होती है। और एक चीज़ इस पर ध्यान देना किसान भाइयों कि गियर बक्सा की जो ये सफाई है, ये इसको खोल के दूसरे या तीसरे दिन जैसे हम सफाई करते हैं, इसकी सफाई ज़रूर करते रहिए। इससे सफाई करने से इसके अंदर जो एयर बनता है वो निकला करता है, अगर वो एयर नहीं निकलेगा तो जो है आपकी आगे वाली आई सील लीक कर जाएगी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। और इसका आयल भी देखते रहिए। और इसी तरह जैसे ये गेज लगा हुआ है, इसी तरह साइड में भी है, इधर जो है आयल 3 लीटर पड़ता है, ये भी साफ़ करके दूसरे या तीसरे दिन साफ़ करके इसके अंदर भी जो है एयर निकला करता है। और जब ये साफ़ सफाई रखेंगे, इसमें 4 लीटर पड़ता है। मेन बेयरिंग यहीं पर होती है रोटावेटर की, ये हमारा जेरो बेटर है, इसमें 60 छुरियाँ हैं, 7 फुट का आराम से चलता है, 45 पावर ट्रैक है, 445 बेहतरीन काम करता है, अच्छे माइलेज के साथ और अच्छा जो है चलता है। किसान भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। धन्यवाद।